एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय सिंह आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हमारी स्किन जो होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत अफेक्ट करती हैं। सो हम अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं, स्किन को इंटरनली हम डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं, और इसको जो एक्ने पिंपल्स तरह की समस्याएं होती हैं उससे छुटकारा कैसे दिला सकते हैं, साथ ही अपने कॉम्प्लेक्शन को और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा निखार कैसे ला सकते हैं अपनी स्किन पे। सो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैं बात करने वाली हूँ बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा की, जो कि स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होती है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं स्किन के डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन का वर्ड जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। लोग पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, कोई लीवर को, कोई किडनी को, लेकिन स्किन के डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। आजकल जो इतने ज़्यादा केमिकल्स का एक्सपोजर है, यूवी रेज का एक्सपोजर है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब की वजह से हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है। तो ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के लिए, स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर पिगमेंटेशन, इन सबको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवा होती है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। बर्बेरिस एक्यूफोलियम बहुत यूजफुल दवा है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम की बात करें तो इसको मोहोनिया एक्यूफोलियम या फिर माउंटेन ग्रेप भी कहते हैं, और ये फैमिली बर्बेरिडेसी की होती है और बहुत यूजफुल दवा है। इसका जो लक्षण होता है वो हमारे स्किन पे बहुत अच्छा आता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को, हमारे स्किन के कलर को क्लियर करने में, हमें जो एक्ने, पिंपल, कील, मुहासे, दाग धब्बे, इस तरह की समस्याएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपको ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको ड्राई इचिंग होती है आपकी बॉडी पर, कोई और लक्षण नहीं है, ड्राई इचिंग रहती है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सोरायसिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको हेड पे बहुत ज़्यादा सर पे इरप्शन से स्टार्ट हुए, दाने आना स्टार्ट हुए, फिर आपके बैक में जा रहे हैं, आपके फेस पर आ रहे हैं, आपके नेक पर आ रहे हैं, इस तरह के लक्षण हैं, तो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही अच्छा काम करती है स्किन प्रॉब्लम्स में। साथ ही साथ अगर आपका बाइल बहुत ज़्यादा है, आपको बिलियस डायथिसिस है, बाइल की मात्रा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी अच्छा काम करती है, हमारी लीवर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। जनरली क्या होता है, जब पेट सही नहीं रहता है तो उसकी वजह से भी कई बार पिंपल्स और इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो इसको भी सही करने का काम करती है। अगर आपका माउथ का टेस्ट ऐसा रहता है कि बिलियस टेस्ट रहता है, माउथ का टेस्ट अच्छा नहीं रहता, टंग कोटेड रहती है, ब्राउनिश येलोइश कोटेड रहती है, थिक कोटेड टंग रहती है आपकी, और टंग पे ऐसे महसूस होता है कि जैसे छाले हो गए, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, आपका गला जो है सूखता रहता है, ड्राई रहता है, आपके पेट में जलन रहती है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको भूख लगती है, बहुत तेज़ भूख लगेगी लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख लगी है लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, और साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी आपको उल्टी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा उबकाई आती है, तो इस तरह की समस्याओं में ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। जिन लोगों में बाइल की अधिकता होती है, उसकी वजह से अगर सर दर्द हो रहा होता है, सर दर्द ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बैंड है जो हमारे हेड के साथ साथ हमारे जो ईयर है उसके अबव पूरा अच्छे तरीके से लगा हुआ है और कंप्रेस कर रहा है, ऐसा लगता है कि कोई बैंड है जो हमारे पूरे सर में अच्छे से लगा हुआ है और वो बैंड हमारे हेड को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो इस तरह का जो सर दर्द होता है वो भी बाइल की अधिकता की वजह से, उसमें भी ये दवा काम करती है। तो ये दवा सिर्फ कॉम्प्लेक्शन को नहीं क्लियर करती, ये दवा हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है, हमारे सर दर्द की प्रॉब्लम में भी अच्छा करती है। साथ ही साथ फीमेल्स में कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो उसमें भी ये दवा काफ़ी हद तक यूजफुल होती है। ये दवा बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपके लक्षण मैच करते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इन जनरल आपको स्किन की कोई भी समस्या है, आप अपना कॉम्प्लेक्शन क्लियर करना चाहते हैं, तो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये सारे लक्षण भी मैच करते हैं तो ये दवा और अच्छे से काम करेगी और अच्छे से आपकी हेल्प होगी। दवा को ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसकी मदर टिंचर जो कि हम क्यू से डिनोट करते हैं, बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू, उसको आपको लाना है और उसके बाद उसकी 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इस दवा को हम एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन को, अपने कॉम्प्लेक्स रूम को और निखारने के लिए। सो इसको आप क्या करना है कि एक कॉटन में आप थोड़ा सा अमाउंट में लीजिए मदर टिंचर को और अपनी स्किन पर, स्किन को क्लियर करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने से आपको और अच्छे से रिजल्ट देगी। अगर आपको कोई स्किन सेंसिटिविटी है बिकॉज ये अल्कोहल बेस्ड होती है, तो आपको अगर इससे इशू लग रहा है तो आप इसको ग्लिसरीन या फिर नॉर्मल जो एलोवेरा जेल आते हैं उसमें मिक्स करके भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, जो भी पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स इस तरह की प्रॉब्लम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इस दवा को इस्तेमाल कीजिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बर्बेरिस एक्यूफोलियम के बारे में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।